हेलो दोस्तों, मैं नीटू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने शरीर से अनचाहे बालों को कैसे साफ कर सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना ताकि आपके समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेप्स हमने बताए और आप उन स्टेप्स को आसानी से समझ के घर पर कर सको। इसलिए दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर ओके कर लीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फायदा ये है कि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हेयर रिमूवल की, जो आप हमेशा के लिए अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हो। दोस्तों, बहुत से लोगों ने गुमराह कर रखा है लोगों को कि हम एकदम से इन बालों को खत्म कर सकते हैं, ये कर सकते वो कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि एकदम से बिल्कुल खत्म नहीं होंगे ये। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नुस्खा अपना लीजिए, बाल एकदम से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के दोस्तों कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो दिन प्रतिदिन, नेल्स वगैरह है, नाखून है जो, और बाल है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, इनको एकदम से नहीं रोका जा सकता। अगर आप लेजर भी करवाओगे तो वो भी आपको 8 या 10 दिन, कई बार तो महीने लग जाते हैं उनको साफ करने में, लेजर से भी वो एकदम से रिमूव नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, लेजर वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर इनको रिमूव कर सकते हो। जो हम स्टेप्स बताएंगे वो आप यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, हमें इसमें पहले 3 चीजों की जरूरत होगी। जो पहली चीज क्या है वो आपको मुलेठी का पाउडर लेना। मुलेठी अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि मुलेठी को क्या कहते हैं। आप किसी भी पंसारी वगैरह के मेडिकल स्टोर पर, पतंजलि के स्टोर पर जाकर मुलेठी का पाउडर आप ले सकते हैं। जो दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको सभी को पता है हल्दी पाउडर क्या होता है, हल्दी पाउडर को आप ले लीजिए। और जो तीसरी चीज है दोस्तों वो है नींबू का रस। नींबू का रस लेना दोस्तों। 3 चीज हो गई, मुलेठी का पाउडर, हल्दी का पाउडर, नींबू का रस। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे जहां पर भी हमने अपने शरीर से बालों को रोकना है, इनको रोका जा सकता है, शुरू में इनको रोकना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और वहां पे बाल आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जहां भी आपने बालों को रोकना है, जहां भी आपने बालों को साफ करना है, उस जगह को आप बिल्कुल साफ कर लीजिए। आप उसमें शेविंग ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं, स्क्रब भी कर सकते हैं, और बहुत से वो आते हैं जिनसे हम बालों को साफ कर सकते हैं, वो आपका, आपको सभी को पता ही है। पहले उस जगह के बालों को बिल्कुल साफ कर लीजिए और फिर क्या करना है दोस्तों, मुलेठी का पाउडर, 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर लीजिए और उसका 1/4 यानी कि उसका 1/4 थोड़ा सा बिल्कुल आपने हल्दी का पाउडर लेना है। 1 चम्मच पूरा मुलेठी का पाउडर, उसका मुलेठी पाउडर का 1/4 हिस्सा बिल्कुल थोड़ा सा आपने हल्दी का पाउडर लेना हो और उसमें 1 चम्मच नींबू के रस की डालनी है और उसका पेस्ट बना लेना है। उसका पेस्ट बन जाएगा दोस्तों, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। वो एरिया के हिसाब से आपने बनाना, जैसे आपने पूरे हाथ के बाल साफ करने हैं तो आप ज्यादा मुलेठी का पाउडर लीजिए, ज्यादा नींबू का रस लीजिए और ज्यादा हल्दी लीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़े से एरिया के बता रहा हूँ, आप पेस्ट बना सकते हो। 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर और 1/4 उसका हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस लेना है आपको दोस्तों। और लेने के बाद उसका एक पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को आपने लगाना है जिस भी हिस्से के आपने बाल साफ करने, और जो आपने बाल पहले साफ कर दिए हैं, रिमूवल से बाल साफ किए हैं या फिर शेविंग ब्लेड से आपने वो साफ किए, किसी भी चीज से साफ किए हो, उस जगह पे आपने वो पेस्ट लगा लेना है। उस पेस्ट को दोस्तों आपने 30 से 40 मिनट तक लगाए रखना है। वो बिल्कुल बिल्कुल सुखाना है उस जगह पे, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सुखा कर उस पेस्ट को फिर आपने उसको रगड़ना, स्क्रब करना है। बिल्कुल स्क्रब करने के बाद वो पेस्ट उतर जाएगा और फिर उसको आपने बर्फ के पानी से या फिर फ्रिज के पानी से या फिर बर्फ, जितना ठंडा पानी हो उतना अच्छा, उसे आपको वो धो लेना है। धोने के बाद दोस्तों आपको ये रेगुलर हफ्ते में 3 या 4 बार तो जरूर करना चाहिए, और रेगुलर आपने ये करना है। आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता उन बालों की ग्रोथ रुक जाती है और फिर थोड़े से दिनों में वो बाल वहां पे आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है और किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और घर पर ये यूज करना है तो आप अपने शरीर से अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हो। नंबर 2 बात दोस्तों, अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हो तो आपके अगर जो काले धब्बे हैं फेस पे हैं या कहीं पर भी काले धब्बे हैं, दाद वगैरह है, कुछ भी कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, छोटा मोटा जो स्किन का इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। त्वचा का
जो हमारी स्किन है वो बिल्कुल गोरी और निखार आएगा, ग्लो आएगा, क्योंकि इसमें हल्दी का भी आपने पाउडर सुना है और हल्दी का बहुत पुराने समय से हल्दी का यूज होता रहा है स्किन को साफ करने या त्वचा का रंग निखारने के लिए। तो इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं, इससे बाल साफ तो होंगे ही होंगे और साथ में जो त्वचा का रंग है वो साफ हो जाएगा। असमतल जो त्वचा जैसे कहीं भूरी कहीं काली हो भी उस पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो जो भूरी काली त्वचा है उसका रिजल्ट तो आपको शुरू से ही एक हफ्ते में ही दिख जाएगा, लेकिन जो बाल जो आपने साफ करने वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करने पड़ेंगे और बिल्कुल वो बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी और बाल उगना बिल्कुल बंद हो जाएंगे वहां पर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और वो अपना कहीं पैसे ना लगा के अपना घर पर बैठकर ट्रीटमेंट कर सके। और 2 मिनट लगेंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करना दोस्तों, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छी टिप्स और लाने वाले हैं। थैंक यू।